तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ सारे लोग अच्छे होंगे। और आजकल देखो अंधेरा बहुत ही जल्दी होने लगा है दोस्तों, एकदम फटाफट। जैसे ही मैं ऑफिस से आता हूँ देखता हूँ तो सोचता हूँ जाके कि बहुत कुछ करेंगे लेकिन व्लॉग व्लॉग बनाएंगे, उसके बाद देखता हूँ कि अंधेरा एकदम आते ही अंधेरा होना शुरू हो जाता है और अब आगे ये चीज़ और बढ़ती चली जाएगी। अच्छा दोस्तों, लास्ट व्लॉग में हमने क्या किया था कि क्वेश्चन आंसर सेशन पहले किया था, लेकिन उसमें किसी अपने फ्रेंड्स का सजेशन आया कि क्वेश्चन आंसर बाद में रखें, क्वेश्चन आंसर सेशन जो है बाद में रखें। सो इस व्लॉग में हम लोग क्वेश्चन आंसर बाद में करेंगे। सो ये वीडियो लास्ट तक देखना। एंड इसमें जो है और जो एक ख़ास बात होने वाली है वो आज होगा भिंडी चैलेंज, बहुत ही ज़बरदस्त भिंडी चैलेंज होगा। सो मज़ा आ जाएगा आपको ये व्लॉग देख कर। एंड दूसरी बात ये दोस्तों, आप लोग जो लोग नए आ रहे हैं उन लोगों से कहूँगा यार कि सब्सक्रिप्शन का बटन दबाते चलो यार, सब्सक्राइब बहुत कम लोग कर रहे हैं। सो जो भी लोग नए आ रहे हो, नए लोग वीडियो देखते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करते रहो, क्योंकि बहुत सारे आपको ऐसे क्वेश्चन आंसर सेशन, फैमिली व्लॉग्स और बहुत सारी जानकारी वाले वीडियो भी देखने को मिलते रहेंगे। और बेल आइकन दबाना मत भूलना। और चलो अब इसी के साथ शुरू करते हैं अपना भिंडी चैलेंज। आप लोगों के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज, मैं आज ये भिंडी काटने जा रहा हूँ आप लोगों के सामने और इस भिंडी का अब मैं साइज़ लूँगा, क्योंकि भिंडियाँ इतनी बड़ी बड़ी दिख रही हैं। भिंडी है कि लौकी है समझ में नहीं आ रहा है। अब आप लोग बताओ कि क्या आपने, मतलब मैं जब हम नाप लेंगे उसके बाद बताना क्या उतनी बड़ी भिंडी आपने देखी है, क्योंकि बहुत काफ़ी बड़ी लग रही है मुझे तो, आठ इंच तो कम से कम लग रही है अंदाजे से। अब चलो चल के नापते हैं पहले। तो ये वो भिंडी है, हरे बाप रे, यहाँ देखिए ये वो भिंडी नहीं है ना वो वाली, हाँ ये तो शायद छोटी हो। तो ये देखो यहाँ से ये 8 इंच है लगभग, 8 इंच की भिंडी है। मैं इसको काटता हूँ यहाँ से, मैं कैची भी बेचारी कमजोर पड़ गई। इस वाली को भी लेता हूँ, ये देखो पूरी यहाँ तक ये 8 इंच है, उसके बाद तो इसको मिला के तो 9 इंच हो गई। वो वाली भी अभी इधर डालता हूँ यहाँ नीचे, वो वाली ये तो और पक ना गई हो गई। अभी चलो काट लेंगे इसको। ओके, ये देखिए आप सब, इसको देखा ये 8 को भी पार कर गई, ये थोड़ा सा 8 से, हाँ 8 से निकलती हुई, 8.25 के आसपास लंबी है ये। चलिए आप देखते हैं यहाँ पर एक और है, ये थोड़ी छरहरी है, पतली, इतनी पतली भी नहीं है, अच्छी खासी है। अब उनके सामने वो काटी है अभी, उनके सामने छरहरी है बिल्कुल एकदम। ये भी 8 इंच है, ये भी 8 इंच है, इसको भी काट देते हैं, ये तो पीछे दिस वन। ये हो गया, ये थोड़ा छोटी, मतलब 6 इंच है, छोटी भी जो है। चलिए 6 इंच अब आती है, अब आता है ये जो हमने इस पे लगी छोड़ दी है, इसकी तो लंबाई नापना ही मुश्किल है। घूम गई है, घूम गई है देखो, अदरवाइज 8 से लंबी होगी, अगर घूमती नहीं तो। हाँ 8.25 हो जाती है, 8.25 है ये भी, तो 8.25 मुझे लगता है, क्योंकि ये पिछले कब से 15 दिन से लगी हुई है इस पे, इसे हम पका रहे हैं ना, इसे हम पका रहे हैं, इससे बीज निकालेंगे। तो आज ये हो गई 3 × 2 = 5, इसमें लग रहा है सब्जी बन जाएगी अपनी, इसमें एक वक्त की सब्जी बन जाएगी। ये सिर्फ 3 पौधे हैं इस बार हमारे, 8, हाँ। तो सोचो हमारे पास 15 पौधे थे लास्ट ईयर, 15 ऐसे। भाई चैलेंज ये है, क्या आपने भाई 8.25 इंच जो मैक्सिमम भिंडी निकली है इसमें लंबी, वो 8.25 इंच निकली है, तो अब 8.25 इंच से लंबी भिंडी किसी ने देखी है, देखिए तो भाई कोई रिकॉर्ड डाल देना, कोई फ़ोटो डाल देना, कम्युनिटी पे पोस्ट कर देंगे तुम्हारे नाम के साथ, तो पता चल जाएगा यार कितनी कितनी बड़ी भिंडी होती है। तो चलो शुरू करते हैं यार, बारिश भी होने लगी। तो आज का पहला सवाल है, हाँ जी, कि अगर किसी ने इंडिया से MBBS की डिग्री ली है तो क्या वो अमेरिका में उन्हें डॉक्टर की पोजिशन पर जॉब मिल सकती है? देखिए डॉक्टर की पोजिशन पर आपको जॉब मिल सकती है, ऑफ़र मुझे पता नहीं कि आपको अगर इंडिया में रहते रहते मिल जाए
कि नहीं, लेकिन लोग क्या करते हैं यहाँ पर किसी जैसे MPH करने या किसी और कोर्स में यहाँ पर एनरोल करते हैं, देन उसके बाद क्या करते हैं वो USMLE एग्ज़ाम को जो है वो क्वालिफाई करना होता है। अगर आपको यहाँ पर रेसिडेंसी करनी है, फर्स्ट ऑफ ऑल रेसिडेंसी होती है, तो अगर MBBS के बाद रेसिडेंसी करनी है तो USMLE का एग्ज़ाम जो है US का वो आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा, उसके बाद आपको रेजिडेंसी करनी पड़ेगी, देन यू कैन डू इंडिपेंडेंट प्रैक्टिस ऑल्सो। क्योंकि मैंने यहाँ बहुत सारे प्राइवेट डॉक्टर ऐसे मैं अपने लिए देख रहा था, ऑनलाइन रहते हैं, तो उसमें कुछ डॉक्टर्स ऐसे थे जो सिर्फ MBBS जिनकी क्वालिफिकेशन लिखी थी एंड दे आर डूइंग इंडिपेंडेंट प्रैक्टिस, लेकिन यहाँ पर उनको रेजिडेंसी करनी होगी, दैट्स कंपलसरी। सिर्फ MBBS डिग्री के साथ आप यहाँ प्रैक्टिस नहीं कर सकते। MBBS आपको USMLE एग्जाम पास करना पड़ेगा, फिर रेसिडेंसी, देन यू कैन डू दैट। एंड रेजिडेंसी का जहाँ तक मुझे याद है 4 से 5 साल का टाइम होता है। हाँ, उसमें डिपेंड कि आप किस फील्ड में हैं, एक्चुअली किस उसमें करना चाहते हैं, तो MBBS के लिए मुझे लगता है 4-5 साल होगी, जो कि एक एवरेज माना जाता है यहाँ पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक हमारी फैमिली के मेंबर हैं, उनके जो बेटे हैं वो 11th क्लास कर रहे हैं, अभी एडमिशन उन्होंने लिया है, जीए की प्रिपरेशन कर रहे हैं, कंप्यूटर साइंस के अलावा आप किस फील्ड की का सजेशन देंगे उन्हें, अगर अमेरिका या कनाडा या मिडिल ईस्ट में जॉब मिलने के, जिससे उनके जो चांसेस हैं वो बहुत अच्छे हो जाएंगे। अच्छा, तो उसमें मैं सजेशन दूंगा कंप्यूटर साइंस के अलावा, जो एक बहुत ही कॉमन और हॉट फील्ड है जिसके थ्रू बहुत लोग बाहर आते हैं, वो है बायोटेक्नोलॉजी। और अगर क्योंकि वो ऑलरेडी बीटेक के लिए इसके लिए तैयारी कर रहे हैं कंप्यूटर साइंस से, लेकिन बायोटेक में भी बीटेक होता है और IITs में ही होता है एक्चुअली, और जिसकी बहुत ज़्यादा वैल्यू भी है। अगर आप IIT से, किसी भी IIT से, जो अच्छी IITs हैं इंडिया में, वहाँ से अगर बीटेक करते हैं तो उसके बाद आपके स्कोप्स जो हैं बड़े अच्छे हो जाते हैं यहाँ पर MS PhD में एनरोल करने के लिए। दूसरा ये कि जो उसको इतना रिकग्नाइज्ड कोर्स है वो ऑल ओवर द वर्ल्ड, कि अगर आप वहाँ से बीटेक करते हैं तो यहाँ पर बीटेक बायोटेक करते हैं तो आपको यहाँ, हम एक ऐसे फ्रेंड को जानते हैं कि जिसने बीटेक बायोटेक किया IIT से, एंड देन वो जो कोर्स के दौरान कुछ ट्रेनिंग वगैरह करनी होती है, वो उसको यहाँ पर अपॉर्चुनिटी मिली थी जॉन्स हॉपकिंस में, 6 महीने की ट्रेनिंग अपॉर्चुनिटी मिली थी। सो बहुत ही रेप्यूटेड और रिकग्नाइज्ड कोर्स है IIT का वो। सो अगर आपका बेटा अगर वो भी करता है तो मुझे लगता है कि किसी भी देश में जाना काफ़ी आसान रहेगा। एंड अगर IIT से ना भी कर पाएँ, अच्छा कॉलेज होना बहुत ज़रूरी, जैसे कोई भी कोर्स हो, इंजीनियरिंग जैसे हम मानते हैं कि भाई IIT जो है इज़ बेस्ट, अगर MBBS मानते हैं तो हम जो भी एम्स है वो बेस्ट। सो ये नाम कुछ ऐसे हैं जो सारी दुनिया जानती है और कोई इस नाम से एसोसिएटेड है तो उनको कहीं भी अपॉर्चुनिटी मिलने में थोड़ा आसानी हो जाती है ना। बीटेक बायोटेक भी एक बहुत अच्छा कोर्स है, वो 3 साल की प्लेन BSc किसी से होती है उससे बेहतर है कि 4 साल का बीटेक करें। अगला सवाल ये है कि अगर यहाँ पर कोई एकेडमिक्स में उनको जॉब मिलती है एज असिस्टेंट प्रोफेसर, तो CV अच्छा है उनका जैसे, तो क्या उन्हें आसानी से ग्रीन कार्ड मिल जाएगा एज कम्पेयर टू सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स? सो देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल जो आपका क्वेश्चन है उसका आंसर बहुत ही सिंपल है, यस। क्योंकि एकेडमिक्स की यही ब्यूटी है एक्चुअली, कि जब आप यहाँ पर आते हैं, जो एक असिस्टेंट प्रोफेसर का जो CV होता है, जो रेज्यूमे होता है यहाँ पर काफ़ी स्ट्रॉन्ग होगा, तभी यहाँ पर असिस्टेंट प्रोफेसर US में बन सकते हैं। और वैसा CV जो है दोस्तों, उसमें आप EB1 कैटेगरी जो होती है, जिसमें कि सबसे फास्टेस्ट ग्रीन कार्ड मिलता है, उसमें आप ग्रीन कार्ड अप्लाई कर सकते हैं, या जो भी प्रोफेसर हैं वो कर सकते हैं, एंड ऑफकोर्स उनको बहुत फास्ट मिलेगा। सो जैसा कि हम लोगों ने भी अपना जो ग्रीन कार्ड फाइल किया था वो EB1 कैटेगरी में ही फाइल किया था, एंड फ्रेंड्स जब भी मैं आपको अपनी स्टोरी ग्रीन कार्ड की बताऊंगा तो उसमें इन शॉर्ट एक सबसे शॉर्ट मैसेज ये है कि भाई, उसमें हमने जो एप्लीकेशन डाली थी उसके 3 महीने के बाद हमारे हाथ में ग्रीन कार्ड आ गया था, दैट वाज सो फास्ट। सो ये कभी आपसे जब ग्रीन कार्ड का शेयर करेंगे तब आपको बताएंगे। इन्हीं का दूसरा सवाल, एसोसिएटेड सवाल इनका ये है कि अगर आपके पास ग्रीन कार्ड हो जाता है तो क्या आप अपने पेरेंट्स को एक लॉन्ग स्टे के लिए, जैसे वीज़ा पर एक लिमिटेशन होती है 6 मंथ्स से ज़्यादा नहीं रुक सकते, तो क्या वो लॉन्ग स्टे के लिए ग्रीन कार्ड अगर आपके पास है आपके पेरेंट्स रुक सकते हैं? तो देखिए, ग्रीन कार्ड और वीज़ा होल्डर जब अपने पेरेंट्स को यहाँ बुलाते हैं तो उसमें कोई डिफरेंस नहीं है।
आई टेल यू कि अगर एक ग्रीन कार्ड अपने पेरेंट्स को बुला रहा है या फिर कोई एक वीज़ा होल्डर अपने पेरेंट्स को यहाँ पर बुला रहा है, दोनों ही अपने पेरेंट्स को यहाँ पर B1 B2 वीज़ा पर बुलाएंगे, टूरिस्ट वीज़ा जो होता है उस पर बुलाएंगे और उसके स्टे में कोई भी फ़र्क नहीं है। आप कहने का मतलब यह है कि उनको 6 महीने से ज़्यादा स्टे नहीं करा सकते हैं। उसके बाद लोग अक्सर एक्सटेंशन वगैरह वो कर लेते हैं, बट वो परमिशन लेनी पड़ती है एक्स्ट्रा, लेकिन कोई एक्स्ट्रा बेनिफिट नहीं है उसका कि अगर आपके पास ग्रीन कार्ड होल्डर हैं। लेकिन अगर आप सिटीज़न बन चुके हैं तब हाँ आपको ये अपॉर्चुनिटी मिलती है कि आप अपने पेरेंट्स के लिए ग्रीन कार्ड फाइल कर सकते हैं, और एक बार ग्रीन कार्ड फाइल हो गया और वो यहाँ पर US में, देन दे कैन स्टे लाइक एनीवन एल्स। देयर इज अ रेनबो। ओह गाइस, देयर इज रेनबो, आपको दिख रहा है? माशा लीजा, देयर इज रेनबो, रेनबो, कम कम कम, देयर फेंट वाला है, सो कैन यू सी द बिग रेनबो? यस 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 यस। अरे रेनबो देख के तो ये लोग एकदम मतलब बौखला जाते हैं इधर। तो भाई उम्मीद करते हैं कि आज का जो व्लॉग है वो आपको भिंडी चैलेंज क्वेश्चन आंसर सेशन बहुत अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो इसे खूब शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, फैमिलीज के साथ, एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। और दोस्तों हाँ भाई, लाइक ज़रूर कर देना वीडियो को यार, बहुत अच्छे से आप लोग लाइक कर रहे हो, थैंक यू सो मच, मतलब आप इतना मेरे वीडियोज़ को लाइक करते हैं। सो विश यू ऑल द बेस्ट।